जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो दस पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब इन बातों से इस दास का तो पूरा विश्वास हो गया कि वो कबीर परमेश्वर है, और ना जाने कितने संतों ने उनका प्रमाण दिया है। अब इसी का आपको एक उदाहरण और देता हूं कि किन किन महापुरुषों ने उस कबीर परमेश्वर को आंखों देखा फिर गुण गाए। आदरणीय गुरु नानक देव जी जो वर्तमान अब पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी नाम का गांव है, वहां इन पुण्य आत्मा का जन्म हुआ। बाबा नानक जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री कालू राम मेहता था। गुरु नानक देव जी का पिछला पहले का जो जन्म राजा जनक थे, जो सीता जी के मुंह बोले पिताजी माने जाते हैं, और राजा जनक इतने श्रेष्ठ, इतने सत भक्ति युक्त थे, विष्णु जी के उपासक थे कि सुखदेव ऋषि ने भी उनका उपदेश लिया था। सुखदेव ऋषि जो सशरीर स्वर्ग चले जाते थे, वहां पर विष्णु जी ने उनको रहने से मना कर दिया था कि ऋषि जी पहले उपदेश लो किसी पूरे संत तय, और फिर यहाँ इस पर यहाँ पर स्थाई स्थान पा सकते हो, अन्यथा नहीं। तब विष्णु जी ने कहा था कि आज के दिन पृथ्वी के ऊपर राजा जनक एक परम संत है, उनसे उपदेश लो। राजा जनक से उपदेश लेकर के सुखदेव फिर स्वर्ग के अंदर पहुंच गए थे। ऐसी पुण्यात्मा राजा जनक जब रास्ते में जा रहे थे, अपना यहां से शरीर छोड़कर विमान आया था स्वर्ग से, स्वर्ग रास्ते में जा रहे थे विमान में बैठ कर, रास्ते में एक नरक आता है, नरक, उस नरक में बहुत ज्यादा आत्माएं चिल्ला रही थी, रो रही थी, ये काल का जाल बहुत टेढ़ा है, ये जीव को उसी समय धोखा दे देता है। राजा जनक का विमान जा रहा था, उस नरक के साथ से निकाल दिया, उसमें ऐसी बुरी तरह वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, पाप कर्म आत्माएं जो अपना दंड भोग रही थी, उनके दुख को उस दयालु संत राजा जनक जी से नहीं देखा गया। कहा कि ये काहे के रोने की आवाज है, मेरा विमान रोक दो। वहां विमान रोक दिया। राजा जनक ने पूछा ये क्या दुख है, यहां पर क्यों रो रहे हैं ये? तब पार्षदों ने जो उनके साथ आए थे लेने के लिए, भगवान के भेजे हुए वहां के देव गण लोग, उन्होंने बताया कि ये नरक है राजा, और यहां पर अपने कर्मों का फल ये प्राणी भोग रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। पार्षदों ने कहा कि हमारे बस का थोड़ा ही इनको छोड़ना, ये तो धर्मराज छोड़ सकता है। कहा धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज के पास टेलीफोन किया, क्योंकि ध्यान से टेलीफोन होता है संतों का। धर्मराज वो आया वहां पे। हाँ क्या बात है? कि इनको छोड़ दो, ये दुख पा रही है आत्मा, मेरे से देखा नहीं जाता। अब धर्मराज कहने लगा, ये राजन ये तो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, और यहाँ का नियम है जैसे कर्म प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे, उनको समाप्त भोगने से ही समाप्त होंगे। राजा जनक जी ने कहा कि इनको छोड़ो, नहीं तो मैं भी आगे नहीं जाऊंगा, मेरे से आगे जाया ही नहीं जाता। धर्मराज ने कहा कि ऐसे नहीं छोड़ सकते हम इनको, आप अपने कुछ पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार पर हम इनको यहां से निकाल सकते हैं। अब उस दयालु संत ने
कह दिया कि मैं पुनः संकल्प करता हूं। अब राजा जनक को से वहां पर पुनः संकल्प करवा के वो 12 करोड़ जो पाप भोगरी थी वो जीवात्मा वो विमान में बैठा के स्वर्ग भिजवा दी राजा जनक ने अपने पुण्य दे के। अब यहां काल का ये टेढ़ा जाल है, जब तक राजा जनक के संकल्प किए हुए पुण्य उन प्राणियों के साथ रहेंगे इतने में इतने समय तक वो स्वर्ग रहेंगे, उसके बाद फिर नरक भोगना होगा। और उधर से उस पुण्य आत्मा के राजा जनक के पुण्य छीन लिए ये लीला करी काल ने, उनको भक्ति भक्ति के हीन कर दिया था तो उसकी कमाई छीन ली और स्वर्ग भेज दिया। राजा जनक त्रेता में हुए, द्वापर पूरा स्वर्ग रहे, अब बीच में और भी चक्कर लगाए होंगे, और फिर उसके बाद राजा वही राजा जनक की आत्मा ये बाबा नानक जी के रूप में और तलवंडी के अंदर इनका जन्म हुआ। बचपन से ही भक्ति के अंदर बड़े लीन रहा करते थे, ये पिछले संस्कार होते हैं भक्तात्माओं के, प्रभु की तड़फ होती है, ढूंढते रहते हैं उस प्रभु को। गुरु नानक देव जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे, प्रभु में ज्यादा आस्था थी। एक बार उनके पिताजी ने उनको सौदा करने के लिए भेजा और कहा बेटा सच्चा सौदा करना, अर्थात नेक नीति से अपना बिजनेस करना, झूठ कपट से नहीं। गुरु नानक देव जी ने रस्ते में 4-5-7 भूखे मिल गए और वो कहने लगे भगत जी हम बहुत भूखे हैं, कई दिन से अन्न प्राप्त नहीं हुआ, 2 दिन हो गए रोटी नहीं मिली। उस दयालु आत्मा गुरु नानक देव जी ने, छोटे से बालक थे 15-16 वर्ष के, मंगा भोजन और वही भंडारा करवा दिया, वापस आ गए। पिताजी ने पूछा बेटा क्या व्यापार किया तूने, अगर सच्चा सौदा किया दाता पिताजी, अब क्या लाए पर कि ऐसा धन लाया हूं कि यहां नहीं दिखता, वो आगे दिखाई देगा, क्या किया फिर बात तो बता दो। कि 4-5-7 भूखे थे, कई दिन 2 दिन रोटी खाए हो गए थे उन्होंने, और वो 20 के 20 रुपयों से उनका भंडारा कर दिया। पिताजी बड़े गुस्से हुए, भी बड़ा नादान तू था, कोई बात हुई ठीक है 1-2 रुपए का खिला देता, 4 के खिला देता तो 20 के 20 ही खिला दिया। पिताजी आप ही ने तो कहा था सच्चा सौदा करना। अब ऐसी लगन देख के उनकी सोचा कि कहीं इनकी शादी कर दें। कालूराम मेहता जी ने सोचा कि इस बच्चे की जल्दी शादी कर दें और इसको बिजनेस में लगा दें, या कि तक वो नौकरी कर ले, इसका संसार में भाव बन जा। ऐसा सोच करके पहले तो उनको एक पंडित जी से गीता का पाठ करवाया। ये देखिएगा जीवन दर्शन, जीवन 10 गुरु साहिब, यह भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहां से प्रकाशित है। और इसमें प्रमाण है कि ये देखिएगा इधर पंडित ब्रजलाल के पास पढ़ना, जब श्री नानक जी को पादे से छुट्टी मिल गई उससे पहले पादे के पास पढ़ा करते, तो मेहता कालू जी ने विचार किया कि इसकी ज्यादा धार्मिक रुचि है, इसलिए इसको किसी वेदों शास्त्रों के विद्या जानने वाले पंडित के पास छोड़ना चाहिए, भी बेहतर होगा। यहां देखिएगा श्री नानक जी ने यह विचार कर बाद मेहता जी ने श्री नानक जी को संस्कृत के प्रसिद्ध पंडित ब्रजलाल के पास पढ़ने के लिए भेजा। और यहां देखिए अब सप्त श्लोकी गीता। श्री एक दिन जब श्री नानक जी बालकों के बीच पंडित के समान बैठकर गीता का पाठ करके अर्थ सुना रहे थे तो मेहता कालू जी उधर से गुजरे। मेहता जी आपको ऐसा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जब घर आए तो पूछने लगे कि बेटा बाहर बालकों में क्या सुना रहे थे, वह मुझे भी बताओ। तब गुरुजी ने कहा कि पिताजी मैं सप्त श्लोकी गीता पढ़ रहा था,
फिर आप जी ने गीता के 7 श्लोक पढ़कर सुनाए तथा उनके अर्थ बताए, इस करके बतलाए। आप जी ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को इन 7 श्लोकों द्वारा यह उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ओंकार जो वेदों का प्रथम अक्षर। अब ये बात ध्यान रखना, गुरु नानक देव जी पहले केवल एक ओंकार ओम नाम का जाप जपा करते थे, बाद में सतनाम कबीर साहब ने दिया उनको आकर के बताया, हे अर्जुन, ओंकार जो वेद का प्रथम अक्षर है यह परम पूर्ण पुरुष ब्रह्म का नाम है। ये देखो, अब अभी उस यहीं तक हमारी बुद्धि घूम रही है, यह परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म का नाम है। ओम को ही पंडित जी ने पुण्य आत्मा गुरु नानक देव जी को यही बताया कि उस पूर्ण ब्रह्म का यही ओम नाम है। वेदों में ऐसा ही लिखा है, महिमा तो पूर्ण ब्रह्म की है और मंत्र केवल इस काल भगवान निराकार तक का दे रखा है। ऐसे इन भोली आत्माओं को यो काल उलझाए बैठा रहता है। यही ओंकार मंत्र यह पूर्ण ब्रह्म का नाम है। जो कोई इस ओंकार जाप करेगा वह मुझ पर परमेश्वर का ध्यान करेगा, वह शरीर त्याग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अब ये मैं बताना चाहता हूं भक्तात्माओं, ये फिर देखो एक बार सारा ज्यों का त्यों पीछे नहीं, ये देखो ये पूरा पढ़ लो चित्र यहां ही। क्या बताया आप जी ने बताया, श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को इन 7 श्लोकों द्वारा यह उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ओंकार जो वेद का प्रथम अक्षर है यह परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म का नाम है, और जो इस ओंकार का जाप करेगा तथा मुझ परमेश्वर का ध्यान करेगा वह शरीर त्यागने कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां देखिए भक्तात्माओं, ये सच्चाई हर जगह है लेकिन ये अलग अलग रखी हुई है, इसको कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर अपने आप समझ में आ जाओगी। अब इससे सिद्ध होया कि नानक देव जी पहले केवल एक ओंकार, केवल एक ओंकार। अब जैसे ना ओंकार निर्भय निर्भयी, फिर सतनाम, ये पहले जो मंत्र था केवल यही जाप किया करते थे। फिर कबीर परमेश्वर आए, उनको बेई नदी पर मिले, उसके बाद वो सतनाम श्री वाहे गुरु कहने लगे। अब आपको प्रमाण देते हैं, गुरु नानक देव जी अपनी बहन के यहां सुल्तानपुर के अंदर रहा करते थे, सुल्तानपुर के नवाब के यहां पर अपने बहनोई श्री जयराम जी की कृपा से वहां नौकरी किया करते मोदी खाने की, और बेई नदी पर प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे और वहां काफी देर तक बैठ गए, क्योंकि पुरानी पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्य कमाई पुण्य आत्मा के साथ रहती है और प्रभु की कसक भूल नहीं सकते वो। उसकी तलाश में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई देव पूजा, कोई देवता पूजा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, लेकिन संतों बिना बात बने नहीं, ये सत्कर मान लेना। जिन संतों से ये मंदिर गुरुद्वारे और चर्च बने हैं उनको वैसे ही संत फिर ढूंढने पड़ेंगे अपने उद्धार के लिए। वो तो एक यादगार है कि यहाँ पर ये घटना घटी थी, यहाँ पर ऐतिहासिक एक सच्चाई, एक प्रमाणित तो सत्य है, उसकी यादगार के लिए मंदिर गुरुद्वारे यादगारें बनाई गई थी, और वैसे ही संत ढूंढने पड़ेंगे जिनसे हमारा छुटकारा हो। अब गुरु नानक देव जी प्रतिदिन प्रभु की याद में घंटों बैठ गए, ऐसे अपना स्वाभाविक लीन रहते थे, ओंकार मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन कबीर परमेश्वर जो काशी में आए हुए थे जुलाहा रूप में, काशी में आए हुए थे जुलाहा रूप में, वो कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, क्योंकि ये ऐसे ही मिलते हैं जिन संतों को मिलते हैं, और सुबह सुबह जब गुरु नानक देव जी बेई नदी के ऊपर बैठे हुए थे प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कबीर साहब वहां पहुंच गए।
और जाकर के राम राम कहा, यानी संबोधन किया प्यार के साथ। गुरु नानक देव जी ने कहा, आओ बैठो भगत जी, कहां से आए, कौन हो तुम? कबीर साहब ने कहा कि मैं काशी में रहता हूं, एक छोटी जाति का जुलाहा हूं, धानकों में धानक का काम करता हूं और कबीर मेरा नाम है। हे महात्मा जी, मैं बहुत दूर दूर तक घूम लिया हूं और आपकी सूरत को देखते ही मेरा हृदय गदगद हो गया है। मुझे लग रहा है कि यदि आप जो आप भक्ति कर रहे हो वो बहुत श्रेष्ठ है। मैं बहुत घूम लिया हूं, मुझे अभी तक सत मार्ग नहीं मिला। गुरु नानक देव जी ने पूछा कि भगत जी आप कहां कहां गए हो, आपने कोई गुरु भी बनाया है क्या? कबीर साहब ने कहा, हां जी, मैंने पंडित रामानंद जी को गुरु धारण किया हुआ है। काशी के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए वेदों के ज्ञाता, बहुत अच्छे बहुचर्चित महात्मा है, लेकिन मेरा बेटा, मेरा विश्वास, मेरा शंका समाधान नहीं हो पाया। गुरु अवश्य बना रखे हैं, लेकिन मेरा अभी तक आत्म शांति नहीं हुई, मुझे ज्ञान पूर्ण नहीं लग रहा। तब गुरु नानक देव जी ने यही बताया कि एक निरंकार निरंकार परमात्मा है, जो गीता जी के वो श्लोक सुनाए। तब कबीर साहब ने कहा कि महात्मा जी, मेरी बातों का गिल्ला मत मानना, मैं एक बहुत दुखी प्राणी हूं, भक्ति की तलाश में भरम भटक रहा हूं, अभी तक रास्ता नहीं मिल पाया मुझे। मैं आपसे कुछ शंका समाधान चाहूंगा, फिर आपको मैं गुरु बनाऊंगा। कबीर साहब ने पूछा कि जैसे आप बता रहे हो कि एक परमात्मा निराकार है, और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो रास्ता बताया एक ओम नाम के जापते और स्वर्ग प्राप्ति का, हे महात्मा जी, हे गुरुदेव, कबीर साहब कह रहे हैं गुरु नानक देव को, हे गुरुदेव, हम वहां कितने दिन रह पाएंगे स्वर्ग के अंदर? अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो तो जैसे भी अपनी कमाई होगी भक्ति की, जैसे पुण्य होंगे, जैसे हमारे सिमरण होगा, जैसे धर्म हमने किए होंगे, यज्ञ हवन किए होंगे, उसका कुछ समय निर्धारित होता, फिर स्वर्ग में उतने समय रह सकते हैं, उसके बाद कहां जाएंगे स्वामी जी? कबीर साहब पूछ रहे हैं बाबा नानक जी ते। तब श्री नानक जी कहने लगे, वो तो फिर आगे जिसके जैसे संस्कार होंगे वहीं पर, हो सकता मनुष्य जन्म भी हो सके 84 लाख जूनियों में भी जाना पड़ जावे, हो सकता है नरक भी भोगना पड़ जावे, ये तो प्रभु के ऊपर है, वो उसके न्याय के ऊपर निर्भर करता है, और यहां पर कर्मों का ही भोग जीव को भोगना पड़ता है। आप गीता पढ़ते हो? गुरु नानक देव जी ने कहा कि हाँ, मैंने गीता पढ़ा है अपने एक पंडित जी के पास। गीता में लिखा है कि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, मान लीजिए आप कृष्ण जी बोल रहे हैं, वही कह रहे हैं, वो तो कहते हैं मैं सबका काल हूं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और सबको खाऊंगा अर्जुन, किसी को नहीं छोड़ू। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन देख रहा है और कह रहा है, भगवान आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो, और आप ही के आगे वो हाथ जोड़े खड़े, मंगल हो, बख्श दो, आप तो उनको भी नहीं बख्श रहे हो। तो एक बात बताओ गुरुदेव, कबीर साहब कहते हैं गुरु नानक देव को, एक बात बताओ गुरुदेव, जिसको कहो तुम नंद का लाल और वो कहे मैं सबका काल, और ये काल ही सबको खावे, और उसी की हम पूजा करें एक ओंकार निरंकार की। गुरु नानक देव जी कहने लगे कि ये तो सभी वेद बताते हैं, सभी शास्त्र बताते हैं, भी एक ही ओम नाम का जाप है, वही पूर्ण ब्रह्म का है। कबीर साहब ने कहा, देखो जी, वैसे तो आप महात्मा हो, पहुंचे हुए संत हो, लेकिन काल पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। 8वें अध्याय का गीता जी के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक तक ये ब्रह्म भी विनाशमा होगा, ये ओंकार निरंजन भी नहीं रहेगा, ना ब्रह्मा रहेगा, ना विष्णु रहेगा, ना शिव रहेगा, तब कहां रहोगे स्वामी जी? कबीर साहब कहते हैं,
बाबा नानक जी को। फिर श्री नानक जी कहते हैं, फिर आप बताओ आपको ज्यादा ज्ञान है क्या? अगर नहीं ज्यादा की तो बात ही नहीं, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, एक नीच जाति का जुनाह हूं, मुझे कहां ज्ञान हो सके गुरुदेव। फिर कबीर साहब ने यह सृष्टि रचना प्रारंभ की कि एक और परमात्मा है सचखंड विच, वो सारी सृष्टि का रचनहार है। गीता जी के 8वें अध्याय के अंदर पूरा विवरण है, 8, 9, 10 श्लोक में, 22, 23, 24 श्लोक में, और गीता जी के 15वें अध्याय के 16, 17, 18 में और 15 में, गीता जी के 15वें श्लोक में लिखा है, ये काल कहता है कि मैं तो सबके हृदय में विराजमान हूं, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा कोई और है, वो पूर्ण परमात्मा कोई और है जो कि सबका धारण पोषण करता है। देखिए जी, गीता जी के अध्याय नंबर 15 का 16, 17, 18 श्लोक, इसमें तीन परमात्माओं की व्याख्या की है। गुरु नानक देव जी को कबीर साहब बता रहे हैं कि ये काल, ये ब्रह्म जो कह रहा है ना कि मैं तो केवल इन प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, और वास्तव में परमात्मा और है, दो परमात्मा है इस पृथ्वी लोक वाले लोकों में। पृथ्वी वाले लोक, एक तो पृथ्वी वाले लोक हैं जो परब्रह्म और ब्रह्म के, और ऊपर के लोक हैं आकाश तत्व से, आकाश वाले लोक बोले जाते हैं, वो सबत से सथाई रचे हुए सतलोक सचखंड जिसे कहते हैं, और अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, वो तो हैं आकाश तत्व से अर्थात आकाश के गुण शब्द से रचे हुए, और नीचे के हैं पृथ्वी लोक। इस लोक में दो भगवान माने जाते हैं, क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म पर ब्रह्म, लेकिन उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। ये देखिएगा गीता अध्याय, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये देखिएगा 17, ये 16 है, और यहां पर इसका संस्कृत है नीचे का, ये देखिएगा, ये 16 नंबर श्लोक में, दवी दव इमो पुरुषो लोके, इस लोक में पृथ्वी वाले लोक में दो भगवान है, छर च अक्षर है, पुरुषो, पुरुष माने परमात्मा भगवान, दो भगवान है इस लोक में, पृथ्वी वाले लोकों में दो भगवान जाने जाते हैं, छर नाशवान, अक्षर माने अविनाशी, और इसी प्रकार छर सर्वाणी भूतानी, इसी प्रकार सब प्राणियों के सथुर शरीर तो नाशवान है, और ये जीवात्मा भी अविनाशी कहा जाता है। अब यहां देखो, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, पुरुष माने यहां भगवान लिख देना चाहिए था, क्योंकि ये बेचारे सारे ही असमंजस में है, संत टीकाकार इनको पूर्ण ज्ञान था नहीं बेचारों को, कोशिश बहुत अच्छी की रख कर रखी है जयदयाल गोविंद का जी ने। फिर कहा कि सर्वाणी सब संपूर्ण भूतानी भूतों के शरीर भी नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, इसी प्रकार दो स्थिति जीव की है और दो ही भगवान से। अब नीचे देखो, ये 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वास्तव में उत्तम भगवान पुरुष माने परमात्मा, इसी में इस पुरुष का अर्थ दे रखा है परमात्मा। उत्तम पुरुष है तू अन्य, वास्तव में उत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, और उसे परमात्मा इति उदारता है, वो भगवान कहलाता है, वास्तव में परमात्मा है। यह त्रिलोक में अविश्य विभर्ति अव ईश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, और वही अविनाशी ईश्वर है। दो तीन भगवान सिद्ध हो गए, और अपने बारे में ये काल भगवान कहता है कि मैं तो, ये इनकी संस्कृति भी देखिए, उत्तम पुरुष, पुरुष माने पर भगवान ये लिखना था, तो अन्य जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया है। और आगे देखिए 18वें में,
ये काल भगवान अपनी सखी थी बताता है कि मैं तो केवल इतना प्रभु हूं, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक और वेद में, इसलिए लोक में, इस काल के लोक में और इस वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, वास्तव में मैं पुरुषोत्तम हूं नहीं। और इसी गीता जी के 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 और 2 में देखिएगा, इसमें लिखा है कि ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ये देखिएगा 15वां अध्याय, ऊर्ध्व मूलम अध: शाखा। संस्कृत आसानी से समझ सकते हो आप, ये तो बेचारे जब पूरा ज्ञान न होने से कोशिश करते हैं सुलझाने की, लेकिन फिर विचलित होकर उसको गोलमोल करना पड़ता है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अध: शाखा, नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम माने मजबूत, प्राहु अवयम यानी ये अवयम माने अविनाशी, उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष समझो संसार रूपी, और जिसके छंदासी प्रणाणी यस तम वेद स वेद वितय, ये सही वेद के जानने वाले उसको बता सकते हैं, सब वर्णन लिखा हुआ उनका। आगे देखो दूसरे श्लोक में, अध: च ऊर्ध्वम परसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विश्वर वाला, अध: च मूलानी अनुसंतानी कर्मानुबंधनी मनुष्यलोके। इसका सीधा सार बना है कि नीचे ने तो शाखा वाला, अध: और ऊर्ध्वम ऊपर नीचे को, उसी वृक्ष की ऊपर और नीचे को, ये तीन गुणों रूपी, ये देखिए इसमें संस्कार देखिए इन्होंने सही किया इसमें, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों रूपी बड़ी हुई नहीं, तीनों गुणों रूपी फैली हुई, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु, विषय भोग परवाला कोपलों रूपी शाखा, ये शाखाएं हैं यानी ये शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी नीचे और ऊपर को फैली हुई है, मनुष्य लोक में फैली हुई है, और यही इस जीवात्मा को कर्मों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी माने जड़ है। ये महन तयंती आप लिख रहे हैं अपने हिसाब से, अब यही इन जीवों को कर्मों में बांधने की मूल कारण है, और नीचे और ऊपर सब तीनों लोकों में व्याप्त इनकी रेंज है। कवि साहब कहते हैं, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाके डारे, तीनों देवा शाखा है ये पाते रूप संसारी। ये देखिएगा इसी गीता जी के अध्याय नंबर 15 के ऊपर ये चित्र बनाया है, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, ये यहां से आगे ये अक्सर पुरुष यानी ये परब्रह्म है, ये जड़ अलग रह जाती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, ये अक्षर पुरुष इसकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। कबीर साहब ने एक ही दोहे में सारी ये गीता जी के 15वें अध्याय का पूरा वर्णन कर दिया। ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्म ये छर पुरुष एक डार है इस वृक्ष की, और ऐसी ऐसी डारे ना जाने कितनी होती है एक वृक्ष के, ये तना है, ये अक्षर पुरुष समझो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्योंकि जमीन से ऊपर जो दिखाई दे वो पेड़ होता है, अब जड़ देखो कौन है, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जो है ये जड़ है, ये पूर्ण परमात्मा। इसलिए गीता जी के 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है परमात्मा इति उदारते, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके लोकतर में सबका पालन पोषण करता है, और अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है, ये कबीर परमेश्वर है। और ये सतलोक में रहता है, सचखंड में रहता है, और कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को बताया कि आपने एक निराकार की भक्ति की, ओंकार की भक्ति की,
और ना जाने कितने जन्म हो लिया आप जैसी पुण्य आत्मा की, ऐसी प्यारी आत्मा जो सिर धड़की बाजी लगा दी, सारा जीवन आपने राजा जनक के रूप में इतनी पवित्र भक्ति की। राजा अम्बरीश भी सतयुग में राजा अम्बरीश थे, गुरु नानक देव जी राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश की कथा आती है कि वो अपने वेदों अनुसार साधना किया करते थे, बहुत नेक पुरुष थे, और उन्होंने एक नियम बना रखा था कि जैसे अमावस्या के तुरंत बाद, मान लीजिए वो 10 रोटी खाया करते थे रोज, तो ऐसे प्रारंभ कर देते थे कि प्रथमा को कड़ुआ जिसे बोले एकम को एक रोटी कम कर दी, द्वितीया को एक दो कम कर दी अपने रोजाना की खुराक तय, और तृतीया को तीन कर दी, चतुर्थी को चार, ऐसे करते करते दसवें दिन 10 रोटी खाते थे तो एक रोटी खाते थे, दसवीं के दिन एकादशी को केवल जलपान किया करते थे, व्रत नहीं रखते थे क्योंकि वो वेदों में लिखा है कि व्रत नहीं करना। ऐसा अपना नियम बना लिया था, और उधर से दुर्वासा जी वेदों के ज्ञाता बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष, उस दुर्वासा जी ने जो आगे चल के पांडवों को श्राप दे दिया, श्री कृष्ण जी समेत यादवों को श्राप दे दिया था और सारे कुल का विनाश कर दिया, ऐसी तोब वो महर्षि दुर्वासा जी उस एकादशी वाले दिन राजा अम्बरीश के दरबार में पहुंच गए। राजा अम्बरीश ने कहा कि भगवान रोटी खाओ, दुर्वासा जी ने कहा हम पहले स्नान करके आते हैं और बाद में रोटी खाएंगे। तो जब दुर्वासा जी आए तो उन्होंने अपना जलपान कर लिया उनके आने से पहले, जब जलपान किया तो दुर्वासा जी ने कहा कि भाई खाना लाओ मेरा, तो राजा अम्बरीश ने कहा कि खाना खाओ प्रभु। दुर्वासा जी ने कहा कि आप भी प्रसाद लो। अम्बरीश जी ने कहा कि मैंने तो प्रसाद पा लिया। दुर्वासा जी कहने लगे किस कैसे कि आज एकादशी थी, मैंने ऐसे नियम बना रखा है और ऐसे मैं एक समय निहित किया हुआ है कि बीच में मैं एक बजे ऐसी रोटी खा लेता हूं, और मैंने आज केवल जलपान किया है, मैं खाना नहीं खाऊं, फल आहार किया बस। दुर्वासा जी कहने लगे हम तुम्हारे अतिथि और संत, और मेरे से पहले भोजन पा लिया तूने ये, और कहने लगे ये तेरी कोई ये भक्ति ठीक नहीं है, एक निर्गुण की निराकार की भक्ति करो, ये सरगुण नहीं करनी चाहिए, ये कर्म कांड है, ये नहीं करना चाहिए, समझे। अम्बरीश जी कहने लगे ठीक है रिसीवर, बहुत अच्छा। दुर्वासा जी चले गए। अगले महीने फिर एकादशी को आ गए, उस दिन फिर उन्होंने ऐसा ही सिस्टम किया हुआ था। दुर्वासा जी ने कहा कि तूने आज भी व्रत रखा है, और राजा अम्बरीश ने कहा कि नहीं जी मैंने व्रत नहीं रखा है, व्रत नहीं रखता मैं तो एक वैसे अपना भक्ति का नियम बना रखा है कि एकदम खाना ना छोड़ूंगा तो शरीर में दिक्कत होती है, ऐसे अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है, भक्ति करता हूँ, इससे व्रत से कोई लाभ नहीं देता, मैं व्रत नहीं करता, नहीं तो व्रत करता है, मैंने तुझे पीछे भी मना किया था, तू मुझे कुछ समझता नहीं है, ऐसे गुस्सा हो गए। और सुदर्शन चक्र, क्योंकि एक सिद्धि होती है और सिद्धि वालों के पास ये परम सिद्धि, काफी सिद्धि होती है संतों में, अष्ट सिद्धियां होती हैं, तो दुर्वासा जी में 2-3 सिद्धियां थी, उस अपने सिद्धि से सुदर्शन चक्र याद किया, सुदर्शन चक्र आया और अम्बरीश को खत्म, राजा अम्बरीश को खत्म करने के लिए छोड़ दिया कि इसका शीश काट दे। राजा अम्बरीश के चरणों को छूकर वो दुर्वासा जी का सुदर्शन चक्र है, और वापस दुर्वासा को खत्म करने के लिए बहुत भयंकर होकर चल पड़ा, और दुर्वासा सिद्धि से उठकर पहले शिवलोक में गया, इंद्र के लोक में गया, मुझे बचा दो मुझे बचा लो। इंद्र जी ने कहा ऋषिवर हमारे बस की बात नहीं, ये तो बहुत भयंकर रूप धारण किया हुआ सुदर्शन ने, आप जाओ शिव जी के पास। शिव जी के पास आए, शिव जी ने भी कहा दुर्वासा जी आप जो है ना ब्रह्मा के पास जाओ। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा महाराज जी मेरी मेरे बस की बात नहीं, ये तो अभी खत्म कर देगा आपको, आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी के पास जब दुर्वासा जी भागे भागे कांपते हुए देखो पीछे भाग रहे हैं, और
विष्णु जी के जब दरबार में गए वहां 88,000 ऋषि बैठे थे, वहां प्रभु चर्चा हो रही थी। दुर्वासे जी की ऐसी बुरी हालत देख करके 88,000 ऋषियों का हंसी छूट गई। अकियांडी पा क्या रहा करता, किसी को कुछ नहीं सोच रहा था, यहाँ शेर ने सवा सिर त्यार पावे है, और सारा कप और दुख और भयभीत हो रहा है। भगवान के चरणों में हाथ जोड़ कर कहता श्री कृष्ण जी के, कृष्ण कहो चाहे श्री विष्णु जी कहो, कि मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या गुस्ताखी की क्रिया आपने, ये सुदर्शन चक्र आपके क्यों पीछे लग गया। तब दुर्वासा जी ने कहा कि मैं राजा अम्बरीश के दरबार गया था और मैं उनको निर्गुण उपदेश बताऊं था, वो सरगुण कराया करते, वो कर्म कांड करे थे, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने गुस्से में सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नादान आपको ज्ञान नहीं, वो कर्म कांड नहीं करते थे, वो तो श्री ओम नाम का जाप और विधिवत साधना कर रहे हैं। तब दुर्वासा जी ने कहा मेरी रक्षा करो प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि श्री विष्णु ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं, आप जाइए और उस राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाइए, अगर वो बख्शेंगे तो तेरी जान बचेगी अन्यथा नहीं। अब भगवान विष्णु ने यही चाहा कि इसकी खूब इसकी वह मरोड़ निकल जा, अहंकार दूर हो इसका, नादान का युता बहुत थोड़ी सी सिद्धि कर कमाई, ओम नाम के जाप तो मेडिटेशन ला के सिद्धियां पा लेते और अपना जीवन खो रहा है दुर्वासा। ऐसे भगवान विष्णु ने सोचकर वापस भेजा कि राजा अम्बरीश के चरण छुओ और वो तेरी जान बख्शेंगे तो बख्शी जागे, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ जोड़कर रोने लग गया दुर्वासा, हे भगवान जब आपके दरबार में मेरी रक्षा नहीं, वहां कैसे बचेंगे, मुझे रस्ते में मार देगा, मेरी रक्षा करो। विष्णु जी ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकती, आप जाइयो और रस्ते में तुझे नहीं मारेगा। दुर्वासा जी फिर वह गया, वापस आकर अम्बरीश के चरणों में गिर गया, मेरी जान बख्श दो दाता, मेरे पर गलती होगी। अम्बरीश ने कहा कि हे रिसीवर मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी करनी आप ही को मिल गई। और पकड़ के राजा अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र को हाथ से और ले दी बता दे दिया दुर्वासा को कि ले तेरा हथियार ले जा, और आगे से भक्ति के भाव से चलना चाहिए। भक्ति का मार्ग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को डरा धमका के नहीं हमने अपना मार्ग समझाना चाहिए, ज्ञान मार्ग है, आप अपना बताओ वो अपना बतावे, समझ में आवे तो स्वीकार कर, नहीं तो उसकी मौज है, इसमें दबाव नहीं देना चाहिए, प्रभु नाराज हो जाता है। ऐसे अम्बरीश महापुरुष सतयुग में थे, उसके बाद अपने पुण्य समाप्त करके राजा जनक हुए, और राजा जनक के बाद फिर ये गुरु नानक देव जी की प्यारी आत्मा तलोंडी में अवतरित हुई। तब कबीर साहब ने बताया कि आप जैसी पुण्यात्मा भी नानक देव जी इस काल के जाल में घूम रही है तो अन्य प्राणी की या कौन कैसे पार पड़ेगी, ये सोच लेना। यदि तुम मुक्त हो जाते इस ओंकार के नाम तय, इस एक ओंकार मंत्र तय, तो फिर दोबारा कैसे आएगी प्यारी आत्मा तू। अब प्रथम बार ये बात बहुत कड़वी लग्या करे, चाहे कोई भी हो, मुझे भी ऐसा ही बुरा लगा था जब मुझे पहली बार ये सुना था मैंने कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है, आत्मा नहीं माननी थी। और फिर दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना, फिर तो आंखें तो पानी गिरने लग गया, देख काम भूल पड़ी, सारे शास्त्रों में प्रमाण है और फिर हम नहीं मान रहे हैं कि सच्चाई है, क्योंकि हम उस पुराने रंग में ज्यादा रंगे हुए। अब नानक जी ने कहा कि देखो आप तो बनावटी बातें बना रहे हो, इनसे ऊपर हमने कभी नहीं सुना, ना किसी हमारे संत ने गुरुदेव ने बताया, और आप तो ऐसे उठपटांग मार रहे हो, आपको क्या मालूम अनपढ़ गवाह, आप तो ऐसे ही छोटी जाति वाले हो। ऐसा जब गुरु नानक देव जी ने कहा तो कबीर साहब प्रणाम करके गुरुदेव प्रणाम हो और चल पड़े, कौन कबीर परमेश्वर, ये महिमा के भूखे नहीं, ये तो अपनी प्यारी आत्माओं को चाहते हैं, किसी प्रकार भी चाहे मेरा जूत मार के मेरे बच्चे मेरे पास आ जावे, ये नाराज नहीं होते, इनको मालूम है कि इन्होंने इस सब को काल नचा रहा है। जब काल अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं लगने देता मैं काल हूं, और इनको मालूम नहीं हमारी माँ कौन हमारे पिता कौन और कहां हम पैदा हो गए, तो आम जीव ने गुरु नानक देव जैसी प्यारी आत्मा ने यो के बख्शा है। जब कबीर साहब चले गए वहां उपस्थित वो अन्य जो नगरवासी थे उन्होंने पूछा कि नानक जी ये कौन था जो आपके साथ इतना वाद विवाद कर रहा था। नानक जी ने कहा कि ये जुल्हा एक धानक था, काशी में रहने वाला कबीर नाम का धानक,
और राजा ने क्या उठपटांग बक रहा था, कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और शक्ति है, ऐसे सिर फिरे घूमते रहते हैं। पहले तो कह रहा था मुझे भक्ति बता दो, मैं बताने लगा तो अपनी झाड़ने लगा, और मैंने जब सुनाया तो उठकर चला गया। उस दिन के बाद कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी को मान लिया गया, क्योंकि वो गुरुदेव गुरुदेव कह रहे थे बार बार। ऐसे ही प्राण संगति के अंदर गोष्ठी बाबा नानक ते कबीर जी की प्राण संगति के अंदर प्रमाण है इसका। अब देखिएगा प्राण संगली पंजाबी भाषा लिपिक भाषा के अंदर, ये देखिएगा, ये प्राण संगली ये पंजाबी लिपि में लिखी हुई है, पंजाबी भाषा भी और पंजाबी लिपि में, और भाषा भिन्न भिन्न होती है इसमें। ये देखिएगा कहां से प्रकाशित है प्राण संगली, और संपादक है इनके जगजीत सिंह खानपुरी, और ये देखिए इनका कहां से है, ये डॉक्टर ऊपर देखिएगा, डॉक्टर संपादक है डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, और ये कहां से प्रकाशित है, यह है पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, और इसमें लेखक ने ये लिखा कि ये ऐसी वैसी नहीं है, ये प्रमाणित है, और कहां से हमने प्राप्त किया ये देखियो। संपादन की तकनीक इस पुस्तक दे संपादन लई पंजाब यूनिवर्सिटी दी हथ लिखत नंबर 765 नो आधार बना के उस विच पोस्ट प्राप्त सामग्री नो सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी पटियाला भाषा विभाग पटियाला गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच पहिया हथ लिखत लिखता नाल मिलान करके पहले 30 अध्यायी तैयार किए गए हैं। अब इसमें यह स्पष्ट वर्णन है कि ऐसी वैसी मत समझना यह प्रमाणित है, और इसमें गोष्ठी बाबा नानक देव और कबीर साहब की, ये देखिए आप 399 पृष्ठ पे, पृष्ठ नंबर 399 पे, ये गोष्ठी बाबा नानक और कबीर जी की, इसमें सारा कुछ होता मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत प्रमाणित पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक। ये देखो, जब हम भक्त बहे सुखदेवा, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जब मैं राजा जनक था, जब मेरे भक्त सुखदेव हुए थे, जब हम भक्त बहे सुखदेवा नानक जनक विधेय किए गुरुदेव, बिल्कुल सच है कि ये नानक जी की आत्मा ही पहले राजा जनक थी। अब यहां देखो, थोड़ा सा दिखाता हूं। कबीर साहब ने कहा कि जब जाने से पहले गोष्ठी करके उठे, तब कहा था मुक्त भया गुर सतगुर वचनी गाया से सहसा पीरा जुग जुग नानक सतगुर जपिए कीट मुरीद कबीरा। अब यहां सुन उपदेश संपूर्ण सतगुर का मनमय भया आनंद मुक्ति का दाता बाबा नानक रिंचक रामानंद। अब देखो कबीर साहब बोले जी आपने तो कमाल कर दिया, मेरा बेड़ा पार कर दिया गुरु नानक देव। और कबीर परमेश्वर जो अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे ही प्यार से समझाते हैं, और यहां पर लिखा कीट मुरीद कबीरा नीच जाति कमीना, ऐसा अपने आपको बोला कबीर साहब ने, इसी में लिखा, पर समय के अभाव से मैं इतना ही दिखाना चाहूंगा, इसमें ज्यादा नहीं। अब यहां इन बातों से हमें यह पता लगेगा कि पूर्ण ज्ञान के बिना हम ऐसे उलझे रहते हैं, एक दूसरे को गलत उसको ठीक वो गलत वो ठीक ऐसे कहते रहते हैं। हम एक पिता की संतान, हमारा एक पिताजी, एक ही भगवान,
हम बच्चों की तरह लड़ते रहते, नहीं हमारा रब बड़ा है, वो कहता हमारा खुदा बड़ा है, वो कहते ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहता हमारा राम बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदा ही रे, और कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रे लगाई रे। अब कबीर साहब जब वहां से चले आए कई कई वर्षों के बाद, एक दो वर्षों के बाद उनको फिर मिले। उस दौरान सभी ने ये वाणी लिख ली, ये प्राण सिंघली के अंदर जो अप्रमाणित है, ये लिख लिया कि कबीर एक काशी का कोई जुलाहा था, वो भी गुरु नानक देव जी को गुरु बनाकर चला गया। ऐसे ही एक दिन वो कबीर परमेश्वर उसी बेई नदी पर, जब उस समय ये गुरु नानक देव प्रभु की प्यारी आत्मा जिसके लिए परमात्मा चक्र काटता फिर रहा है, जो बच्चा गौ की नजर में नो साई ने संत और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत, अब पुण्य आत्मा थी, युगों युगों के पुण्य कर्म थे, उस प्रभु की एक कृपा पात्र थे गुरु नानक देव, तभी तो परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरा, जैसे गौ अपने बच्चे के पीछे पीछे फिरती है, बच्चा भाग लेता है बच्चा और गौ फिर पीछे पीछे भागी जाती है, फिर वो आगे भाग जाता है, फिर पीछे पीछे जाती है और फिर अपने सतन का दूध उसके मुख के लगा के फिर अपने साथ ले आती है। अब कबीर साहब हमारे जैसी तुच्छ जीवों के लिए नहीं आया, धर्मदास जी के लिए आया, गरीबदास जी के लिए आया, दादू साहेब के लिए आया और गुरु नानक देव जी के लिए वो परमेश्वर आए। तो ये कृपा के पात्र अजब थे, असीम भक्ति थी, ये पुण्य आत्मा थी और फिर काल के हाथों लग जाना था, क्योंकि कलयुग में कबीर साहब अपने अंशों ने छोड़ देगा नहीं, उन प्यारी आत्माओं को अब कलयुग में लेके जाएगा, क्योंकि अब बैन उठा हुआ, कबीर साहब ने बैन उठा रखा कि कलयुग में जितने चाहे जीव ले जा सकता हूं, क्योंकि काल ने वचनबद्ध किया था मालिक को कि दाता कलयुग में ज्यादा जीव ले जाना। एक दो वर्ष के बाद, दो तीन वर्ष के बाद ये कबीर परमेश्वर वहीं जाकर के एक उसी जिंदा रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी सुबह सुबह बेई नदी के ऊपर स्नान करने के लिए गए हुए थे और कबीर साहब उस समय केवल गुरु नानक देव जी को नजर आ रहे हैं, अन्य को नहीं दिख रहे, और फिर वार्ता होती है। तब कबीर साहब ने बताया कि ये प्यारी आत्मा नानक, तुम मेरे बच्चे हो, ये काल ने तुम्हें उलझा रखा है, काफी कुछ बताया, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर मुझे तुम इस बेई नदी में ढूंढ दोगे तो मैं तुझे तेरी सारी बात सुनने को तैयार हूं, अन्यथा नहीं। उस समय गुरु नानक देव जी स्नान की तैयारी कर रहे थे जब कबीर साहब आकर उनको मिले और एक सेवक जो है कपड़े लिए बैठा था और संत और भक्त नहाने वाले, स्नान करने वाले अन्य नगर निवासी देख रहे थे कि आज ये गुरु नानक देव जी किससे बात कर रहे हैं, तो दूसरे कहते हैं ये संत आत्मा है, अपने आप ऐसे बोलते रहते हैं, ये तो बहुत भक्त आत्मा है, ऐसे ही बोलते रहा करते हैं अपने आप, ये तो बातें किया करते हैं। ऐसे करते करते नदी में छलांग लगा दी गुरु नानक देव जी ने और नीचे जाके मछली का रूप बना लिया। कबीर साहब ने उस गुरु नानक देव जी को वहां से उस मछली को पकड़ा और अपस्ट्रीम में जिधर से पानी बहकर आ रहा था उस साइड में 3 किलोमीटर दूर ले गए और वहां जाकर के बाहर पटड़ी पर गुरु नानक देव बनाकर बैठा दिए। अब जिसको भक्ति की कसक है वो चूक्या नहीं करते, सारा जीवन मनुष्य का केवल प्रभु पाने के लिए, और इसमें भी कोई पिछड़ जाता है, पीछे रहता है तो उस जैसा नादा नहीं, लेकिन वो प्यारी आत्मा है जिनको प्रभु की तलाश हो वो नहीं रुका करती, वो तो अपना ना तो वो मजहब देखा करती ना वो कोई लोकलाज कराया करती, उन्होंने अपना भविष्य देखना होता है। उधर से क्या होता है, इस प्रोसीजर में 3 दिन और 3 रात लग गई, 3 दिन और 3 रात लग गई। उधर क्या होता है कि बेई नदी पर स्नान करने वाले व्यक्तियों ने देखा कि नानक देव ने, नानक जी ने डुबकी लगाई थी स्नान करने के लिए बेई नदी में, और काफी देर जब बाहर नहीं आए तो सेवक ने कहा कि नानक देव डूब गए, नानक जी डूब गए, सब ने देखा, काफी देर देखा नहीं, वो ऊपर आए,
गोताखोरों ने ढूंढना चाहा, फिर भागकर एक व्यक्ति नगर में आए। वहां से भैया जयराम जी जो गुरु नानक देव जी के बहन हुई थे, वो भी और काफी गोताखोरों खोरों को साथ लेकर जाल लेकर के काफी 3-3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था, पानी बह रहा था, उधर जाकर ढूंढे पर कहीं नहीं मिला। और सब ने बड़ा दुख हुआ और सब रो रो कर रुदन मचावे, ये परमात्मा ये क्या बना, इतनी प्यारी आत्मा, इतनी भगवान आत्मा, और इनकी बहन तो रो रो कर मर जाएगी अपने भैया के लिए, ये क्या हुआ दाता। 3 दिन तक ऐसा बुरा हाल होता रहा सारी नगरी में। तीसरे दिन वही नानक जी सतलोक से वापस आके, सचखंड से वापस आके, और उसी बेई नदी के किनारे उसी स्नान करने के समय वहां आकर उपस्थित हो गए, बैठ गए। स्नान करने वालों ने देखा कि नानक जी तो जीवित हैं, तो मरे नहीं। ओहो, सब इकट्ठे हो गए, उनको प्यार दे, आप कैसे कहां चले गए थे, कैसे बच गए, भागकर गांव नगर में आए। वहां से उनके बहनोई को, बहन को पता चला, सब भाग्य आए और गुरु नानक देव जी को घर ले गए। घर जाने के बाद उसने पूछा, आप कहाँ चले गए थे, कहने लगे मैं सचखंड गया था, मेरा भगवान मुझे लेकर गया था, मेरा प्रभु मुझे सचखंड दिखा के मुझे वापस छोड़ गया, अब उसकी तलाश करूंगा, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए मोदी खाने में, और वहां जाकर के 13-13 करके और जो मांगे वो ले जा सब खजाना लुटा दिया, और जाकर के शमशान घाट पर बैठ गए अपना मायूस से होके, क्योंकि जिनको तलाश है प्रभु की वो तो बस वही जाने उनको कितनी चाह और तड़प होती है। सब जीवन सारा संसार असार नजर आता है उन भक्त आत्माओं को जिनको अपने मालिक की तलाश है, और जो लीला करते हैं वो घुटी लावे, दारू पीवे, मांस खा जाए, वो प्रभु नहीं पा सकते। 7 जन्म भी वो तो नाटक कर रहे हैं, और सुल्फा पीवे, बीड़ी पीवे, और कोई गुरु बन जा कहते कैसा ही गुरु हो, बस बेड़ा पार उसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब वो प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी शमशान घाट पर जाकर बैठगी। उधर से लोगों ने शिकायत की राजा को कि आपके सेवक ने और मोदी खाना लुटा दिया। उधर से गुरु नानक देव जी के बहन हुई जयराम जी को, श्री जयराम जी को राजा ने, नवाब ने बुलाया, सुल्तानपुर के नवाब ने, और कहा कि आपने ही नानक जी को यह नौकरी लगवाया था, और आपके सामने खजाने की पड़ताल करेंगे, यदि इसमें जितना भी कमी पाई तो आपसे ले लेंगे हम, आप इनके जमानती हैं। भैया जयराम के सामने, जयराम जी के सामने मोदी खाने की सारी जांच हुई, कहते 760 रुपये गुरु नानक देव जी के फालतू निकले उस खजाने के अंदर, राजा का पूरा हो गए। अब इस बात के ऊपर सुल्तानपुर के नवाब ने बड़ा अफसोस किया कि कहा कि मैंने उस प्यारी आत्मा, पुण्य आत्मा, भक्त आत्मा पर शक किया, मत पाप का भागी हो गया, और अपने सेवक बेचे नौकरों से कहा कि हाथ जोड़कर बुला के लाओ उसको, गुरु नानक देव जी को बुला ले। और नवाब ने कहा कि भगत जी मेरे से गलती होगी, मैंने आप पर शक किया, और ये 760 रुपये आपके ज्यादा हैं, आप ले लो आपके। कहने लगे अब नहीं लेंगे कुछ भी। और फिर ये नवाब ने कहा था कि 760 रुपये आपने रख लो और फिर नौकरी पर आ जाओ। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे अब तो सच्चे बादशाह की नौकरी करेंगे, और नौकरी मेरे तो हो को ना। अब मुझे आदेश हुआ सच्चे बादशाह का, उस पूर्ण परमात्मा का, के सारे संसार में पहले तो उसकी तलाश करूंगा, वो यहीं आया हुआ है कहीं संसार में रहता है, और वो जैसे आदेश करेंगे दास वैसे करेगा। उस सुल्तानपुर के नवाब ने पूछा कि कब आदेश किया तेरे भगवान ने ये कि सच्ची सरकार की नौकरी करने का, प्रभु की तलाश करने का, भक्ति करने का, कि जब मैं बेई नदी में स्नान करने गया था वहां से मुझे सचखंड लेकर गए थे, और मैं सब संसार को समझ चुका हूं, यहाँ पर ये जीवन कुछ नहीं है, सच्चे बादशाह की तलाश करूंगा और सचखंड में वास करूंगा। ऐसा करके वहां से घर छोड़कर अपने घर ना आगे, वहां सब नौकरी त्याग कर वो अपने माता पिता से कहा, उनको भी समझाना चाहा कि कोई सचखंड में सतलोक में परमात्मा रहता है, मैं उसकी तलाश करूंगा।
वहां से पहली उदासी गुरु नानक देव जी ने बनारस की। और ये शक नहीं हुआ उनको, ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो परमात्मा और काशी में और वो दानक बनकर वो कैसे आगे होंगे, कहीं वैसे लीला कर रहे हो, मेरे को वैसे कह दिया हो। पर ये बात सोच के कि उनको झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी, अपने मन में असमंजस सा बनाकर पहली उदासी बनारस की। और रस्ते में जहां भी संत कोई दिखे, कोई डेरा मिले, कोई जैसे कहीं बहुत चर्चित संत मिले, वहां जाकर बात करे, बात करते थे, चर्चा करते थे प्रभु की। इस उद्देश्य से करते थे कि यदि सचखंड का मार्ग बताने वाला यहां पर कोई व्यक्ति मिल गया तो वो जरूर उपदेशी होगा उस संत का जो सतलोक मुझे लेकर गया है, यहाँ आया हुआ होगा, तो अवश्य उसने प्रचार किया होगा कोई सचखंड है, सतलोक है, पूर्ण ब्रह्म है, फिर विष्णु से ऊपर की कोई शक्ति और है, ये भगवान नहीं है जिनको हम प्रभु मान रहे थे। ऐसी चर्चा करते करते उनको कहीं जिक्र नहीं मिला, यही ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण तक का ही ज्ञान होता रहा। इस उद्देश्य से कि काशी में रामानंद जी से बात करूंगा, अगर उन्होंने ये बात मेरी प्रसन्न जो मैं करूंगा इनका उत्तर दिया तो अवश्य वो परमात्मा वहां होगा। ऐसे चलते चलते काशी पहुंचे, कहा पाकिस्तान में तलवंडी और कहा ये बनारस, ये परमात्मा सिरदर्द की बाजी लगा देते हैं जिनको प्रभु की तलाश है। घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए और समाज छोड़ दिया, जब पुछली पूजाएं थी वो त्याग दी। अगर प्रभु चाह पाना है तो एक दिशा एक ही तरफ लगना होगा। वहां से चलते चलते काशी पहुंचे, बनारस में जाके वहां पूछा कि कोई रामानंद नाम का संत है, वहां तो बहुत चर्चित संत थे वो, बहुत सारी काशी में उनका बोलबाला था, लेकिन कबीर साहब ने उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था, उसके बाद रामानंद जी जो अपना ज्ञान अपने ज्ञान पर आधारित थे उसको भूल गए थे और केवल सतलोक की और सचखंड की पूर्ण परमात्मा की चर्चा किया करते थे। गुरु नानक देव जी ने रामानंद जी के पास जाकर पूछा, ये प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है। रामानंद जी ने बता दिया, क्योंकि वो अभी कबीर साहब के ज्ञान से युक्त हो चुके थे, परिपूर्ण हो चुके थे, कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीन लोक के प्रभु हैं, ये तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये एक प्रांत में व्यवहारिक मंत्री जैसे, लेकिन ये पूर्ण शक्तिशाली नहीं है, ये भी जन्म मरण के अंदर है, और पूर्ण परमात्मा तो सतलोक में है और वो यही आया हुआ है आजकल काशी में, और कबीर नाम है उसका, और मैंने भी पहले तो मैं उनका गुरु था, अब मैंने वो अपने गुरु बना रखे। रामानंद जी ने ये बात कही, ओए होए होए, फिर तो गुरु नानक देव जी की आंखों में पानी पड़े कि यही है वो जुलाहा रूप में आए हैं, कहां जुलाहे का काम करते, यही रहते हैं, कबीर नाम है उनका। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे उनसे मिलवा दो। रामानंद जी ने कहा कि आज तो यहां नहीं आएंगे, कल मुझे कहकर गए थे कि महाराज जी कल मैं नहीं आऊंगा, मेरा वहां काफी कार्य है आज कपड़ा बुनने का, कल आऊंगा दाता आपके दर्शन के लिए। ऐसा कबीर साहब जी रामानंद जी को कहकर गए थे। रामानंद जी ने कहा था कि आप तो कुल मालिक हो, मुझे शर्मिंदा करते हो बार बार, ऐसा अधीन निपना दिखा के। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे वहां भेज दो, अब जिसको तड़प हो ना भूख रोटियों की, वो जहां मिला वही जाता है, तो कहां से चलकर इतनी दूर आ चुका हूं, तो सोचा कि 10 कदम और चल पड़ता हूं प्रभु की तलाश में। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया कि जाओ कबीर परमेश्वर के पास, ये बहुत दूर से भगत जी आए हैं लाहौर से के आसपास से, और प्यार से वहां ले जाओ। रामानंद जी ने कहा था पहले खाना खा लो, गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो भूख है मुझे पहले वो मेरी मिटेगी तो मैं खाना खाऊंगा। उस सेवक के साथ गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे कबीर साहब की झोंपड़ी पर, जहां पर कपड़ा बुने थे बैठे बैठे, और आंखों में पानी भर के और रो रो कर जब देखी वह सूरत जो सतलोक में देखी थी, जो बे नदी पर देखी थी, और वही वहां पर एक कपड़े धारक रूप में काम कर रही थी, आंखों में पानी, जैसे भीलनी श्री राम को देखकर रो रही थी, उसको मालूम नहीं तू कहां खड़ी है। ऐसे काफी देर तक कबीर परमेश्वर को देख करके और बार बार देख रहे हैं कि ये वही परमेश्वर, और देख कहां बैठे सारी सृष्टि के रचनहार सर्वशक्तिमान
और क्या लीला कर रहे हैं। ओए होए, अपने आप को गुरु नानक देव जी बड़ा बुरा बुला कह रहे हैं कि मैं तो नीच आत्मा था, या किसी भगवान को मैंने क्या क्या कहा कि तो नीच है, कमीना है, ये क्या जाने मूर्ख गंवार है। ये तो उस उद्देश्य से अपने आप को इतना लताड़ रही है कि अक्षमा करना मालिक, मैंने आपको ना जाने के कह दिया, अमन जान आत्मा आपकी लीला को के जान सके। तो उस समय कहा था आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।